मलिक साहब के अंदाजे बयान पे चले जाएं तो बंदा शर्मशार हो जाता है और कभी कभी उसको अपने आप पे भी शक होने लगता है। लेकिन उनका ये अंदाजे बयान है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे चौथी द फोर्थ नेशनल लोक अदालत में शरीक होने का मौका मिला। हालांकि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ वाबस्ता नहीं हूं, हमारे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काशी रक्षतन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके, पर चूंकि मुझे बारामूला में एक ऑफिशियल टूर के लिए आना था तो ये कोइंसिडेंस था कि यहां फोर्थ नेशनल लोक अदालत भी मुनक्कद की जा रही थी। तो मैंने ठीक समझा, जैसे ताशी साहब से फोन पे बात की कि भाई साहब मैं बारामूला में जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत कर लूं, क्योंकि मलिक साहब का ऐसा मुझे रिक्वेस्ट पहुंचा है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ आप जा रहे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इस लोक अदालत में भी अपनी शराकत करें। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, ये एक ऐसा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसको हम जो हमारी अदालतें अपना काम करती हैं उसके साथ साथ पैरेलल में हर महीने और दो महीने में एक आध बार मुनक्कद करते हैं। कुछ हमारी लोक अदालत होती है और कुछ हमें शेड्यूल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से आता है। मुझे लगता है आज का जो फोर्थ नेशनल लोक अदालत है ये हमारे शेड्यूल की लास्ट और आखिरी लोक अदालत है। लोक अदालत रेगुलर कोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये एक सप्लीमेंट्री अदालतें आप कह सकते हैं, जो रेगुलर काम हमारा कोर्ट्स में होता है उसको, जो हमारी एफर्ट है लोगों तक इंसान को जाने की, उसको ये सप्लीमेंट करता है। लोक अदालत हमारे समाज का हिस्सा रही है। पहले जो विलेज एल्डर्स हुआ करते थे, जो गांव के समझदार बुजुर्ग हुआ करते थे, वो छोटे मोटे डिस्प्यूट जो आपस में गांव में होते थे उनको सेटल करते, फिर पंचायत साइड कम्युनिटी हेड्स हैं उन्होंने फैसले करना शुरू हुए। लेकिन इसको हमें तो स्टैट्यूटरी रूप दिया वो 1987 में, जब पार्लियामेंट ने लीगल सर्विस पार्टी एक्ट 1987 एक्ट किया। ये चार टीयर पे, चार लेवल पे, चार सतह पे काम करती है। अपेक्स लेवल पे हमारे पास नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसको सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैंड करते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे स्टेट या यूटी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट अथॉरिटी है जिसके सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट का एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हेड करते हैं और चीफ जस्टिस पैनल चीफ होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और ऐसे ही तहसील और तालुका लेवल पे हमारी तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये रेगुलर कोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसमें लोगों के छोटे मोटे मसले जो आपसी बातचीत से सेटल हो सकते हो उनको इसमें एक एफर्ट करके सेटल किया जाता है। सबसे बड़ा जो बुनियादी फायदा लोक अदालत के फैसलों का होता है, एक तो वो फैसले कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वहां बिना वकीलों के भी आप अपनी बात जो हमारा पैनल होता है लोक अदालत का उसके आगे रख सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने रेगुलर कोर्ट में दी भी हो और वो केस लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो आपको कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है, तो खर्चा नहीं है, समय की बचत है। रेगुलर कोर्ट में
केस सालों के साल लेते हैं, सिविल कोर्ट तो खत्म होने का नाम तक नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशन में लोक अदालत आपको एक क्विक जस्टिस भी प्रोवाइड करती है।